नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है रूस से। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, और इस यात्रा से पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के लिए कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल दोस्तों, आप सभी यह जानते होंगे कि जब से भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और भारत जैसे जैसे अमेरिका के नजदीक जाता जा रहा है, वैसे ही भारत और रूस के संबंध भी चेंज होते जा रहे हैं। एक तो भारत ने रूस से हथियार लेना भी कम कर दिया है, और दूसरा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब भारत के दुश्मन देश जैसे कि चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ा रहे हैं, और यह भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। परंतु दोस्तों, भारत के साथ मित्रता को बढ़ाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। परंतु इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने अपने विदेश मंत्रालय की एक बैठक को संबोधित करते हुए भारत को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर भारत समेत पूरी दुनिया चौंक गई है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत जिस प्रकार से रशिया और इसके साथ ही वेस्टर्न देशों के साथ अपने रिश्तों को निभा रहा है, इसके लिए हम भारत की सराहना करते हैं कि भारत एक जियोपॉलिटिक्स के केंद्र बिंदु के तौर पर आज उभर के सामने आया है, और भारत न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध निभाता है। इसके साथ ही भारत के साथ रूस अब आने वाले दिनों में न सिर्फ रक्षा क्षेत्र को लेकर बल्कि व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। और दोस्तों, पुतिन के इस भाषण को लेकर अब पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, उससे यह लग रहा था कि भारत और रूस के संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे। परंतु व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से पहले इस प्रकार के दिए गए बयान से पूरी दुनिया हैरान है, और पुतिन ने यह साबित कर दिया कि रशिया आज भी भारत को अपना एक अच्छा दोस्त मानता है। खैर, आप सभी को क्या लगता है, अमेरिका और रूस में से कौन भारत का सच्चा मित्र है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।